नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना उगैती क्षेत्र में 50 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंदिर पर पूजा करने आई, जिसके साथ मंदिर महंत व दो अन्य साथियों ने गैंगरेप के बाद हत्या की गई। हत्या में थाना पुलिस की जमकर फजीहत हो रही। ऐसे ही मामला कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ था, उसी से मिलता जुलता कांड ने बदायूं में उसकी यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी शेष कुछ पहलुओं पर प्रशासनिक जांच अधिकारी साक्षी जुटाने में लगे हुए हैं। गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने लगातार राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं। यहां भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व MLC जितेंद्र यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। परिजनों से ऐसे घटना पर दुख प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए रुपये में 50,000 की धनराशि दी। वही पूर्व MLC ने कहा, ऐसी घटना से हृदय द्रवित है और पीड़ित परिवार के संपर्क में रहूंगा। पुलिस इस मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। जांच में दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री भी ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए सख्त हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जैसी घटना घटित हुई है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नजर आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मुझे भी मीडिया के द्वारा ही पता चला, मैं बाहर था, बदायूं नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने फिर भी समय रहते हुए कार्रवाई की। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन में लापरवाही थोड़ा रहती ही है, क्योंकि पूरा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। अब जैसे उगहती में ही कम से कम आपके कम से कम 70-80 गांव पड़ते हैं। अब जैसे भैया ने ये तो यही चीज़ कंफर्म जो घर परिवार है कर सकता है कि इन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश करी पुलिस को। अब आप खुद भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पे मतलब संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले के लिए बोला है कि भी फास्ट ट्रैक में चलाया जाए मामला। अच्छा, एक और बड़े मंच से ये बराबर लोगों को संबोधित किया जाता है इस देश के लिए कि अब भ्रष्टाचार मुक्त देश हो चुका है और अपराध मुक्त भारत हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे जगन अपराध को अंजाम दे देते हैं अपराधी, तो ये तो एक सोचने वाली बात है। इस पर क्या विचार करेंगे? अच्छा करेंगे आगे, बिल्कुल कानून जो है अपना काम कर रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने का मतलब यही है कि बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में साल भर में इसका निर्णय हो जाए। घटना होने के बाद जैसे कार्रवाई की जाती है, वो अगर कार्रवाई पहले की जाए तो मतलब सुलभ होगा कि पहले कैसे कार्रवाई, मतलब केस से पहले भी कार्रवाई हो? समय रहते होनी चाहिए कार्रवाई। अच्छा, पीड़ित परिवार में वही एक कमाने वाली थी जो उस भरण पोषण करती थी, तो सरकार द्वारा मतलब दो छोटी बहनें भी हैं उसकी और बच्चा भी अभी उसकी एज कम है, तो अब कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो सरकार ने क्या उसके लिए व्यवस्था की है? अभी मेरी पर्सनल DM से बात हो रही थी, 10 लाख रुपया तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी मतलब बनने के लिए चेक दिया हुआ है, मिलना जा रहा है इस परिवार को। और बच्चियों के लिए भी जैसे इनका कहीं ना कहीं किसी स्कूल में शिक्षा के लिए वो भी समाधान किया जाएगा। और आगे भी जैसे अभी मैं बच्चे से मिला हूँ जो उनका बेटा है, आगे भी किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग पर्सनल तौर पे भी मदद करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सरकार के लिए जो जनता है वो सब बराबर है, तो एक ओर सरकार 50 लाख रुपए प्लस मकान नौकरी का अनुदान देने की बात करती है, देती है, और दूसरी ओर 10 लाख का अनुदान, तो ये थोड़ा सा असमंजस की बात है। इस पर क्या विचार रखते हैं? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए अगर ऐसा आपने संज्ञान में डाला है तो इस पर हम लोग दिखवाएंगे कि कौन सा कानून है जिसमें 50 लाख का ऐसे प्रावधान है। अगर ऐसी बात है तो उस पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि मदद ज़्यादा दी गई जाए। आप आए हैं तो आपके द्वारा क्या कुछ किया गया है? मैंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये की रकम से परिवार को सांत्वना देने के लिए किया है कि भी जो भी है बाकी आगे सरकार से मदद की अपील करता हूं, क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में हूं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे कि भी परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।